पृथ्वीपति चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको गुठना और सोल्जर, निकट एंड कंधा, इन दोनों में जो दर्द होता है वह असहनीय होता है। तो लोग करते क्या है, मार्केट से पेन किलर लिया और खा लिया। जब तक उसका असर रहा तब तक तो दर्द की अनुभूति आपको नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उस दवा का असर खत्म हुआ आपको तुरंत दर्द की अनुभूति शुरू हो जाएगी और आपको दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा। तब आप ऐसी अवस्था में क्या करेंगे, फिर दवा खाइए। फिर जब तक उसका असर रहे तब तक तो आपको आराम रहेगा, फिर उसके बाद दवा लेना पड़ेगा। तो यह अवस्था कब तक चलेगी, ऐसी अवस्था से बचने के लिए आपको योगा करना है, और ज़्यादा नहीं, 10 मिनट सुबह कर लीजिए, 10 मिनट शाम को कर लीजिए, और आपकी जो ये शरीर है निरोगी रहेगी, और जब निरोगी रहेगी तो आप सारे आप काम कर लेंगे, कोई फालतू की दवाई खाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे करते हैं, नी कैप का दर्द और सोल्जर का दर्द देखिए कैसे ठीक होता है और इसका योगा हम कैसे करते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए हम सबसे पहले इस अवस्था में बैठ जाते हैं, ठीक है, और धीरे से अपने पैर को ए यों कर देते हैं, ए इस तरह से अपने दाहिने पैर पर बाएं पैर को हम रख देते हैं, ठीक है, और अपने ठुंडी को अर्थात अपने जो ए ठुंडी हमारी है इसको हम अपने बाएं उठने पर रख देंगे, ठीक है, ऐसे, और फिर धीरे धीरे करके यों करेंगे। इससे क्या होगा, आपका घुटना और आपका सोल्जर दोनों में अगर पेन है तो छूमंतर हो जाएगा। अब दूसरे पैर का करते हैं, देखिए उसी तरह से दूसरे पैर का करेंगे, दूसरा पैर भी इस तरह से रखते हैं और अपने ठुंडी को इस तरह से लगा लेते हैं, अब देखिए एक घुटने का और सोल्जर में बहुत मूवमेंट होता है, इस योगा से क्या होता है, इनका मूवमेंट होता है, तो सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जब सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हर सेल्स को ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट मिलेगा। ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट के मिलने से उनके अंदर जो क्रैम्पिंग होती है, सेल के अंदर जो क्रैम्पिंग होती है, तनाव होता है, एड्स जाना, कोई चीज एठेगा क्यों जब उसको खाने पीने की चीज नहीं मिलेगी। एक बच्चा रोता क्यों है, जब माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी बच्चा रोना शुरू कर देता है, अर्थात क्रैम्पिंग करना शुरू कर देता है। उसी तरह से हमारे बॉडी की सेल्स है वो क्या करती है, क्रैम्पिंग करती है, जिसकी वजह से उनको दर्द महसूस होता है। अब जब उनको ग्लूकोज हमने योगा के द्वारा हमारी ब्लड सप्लाई बढ़ गई, उनको अगर ग्लूकोज मिल गया तो फिर उनका दर्द खत्म हो जाता है। पेन किलर कभी मत खाइए, जब भी बॉडी के अंदर दर्द हो पेन किलर नहीं खाना है। देखिए इसी को हम दोबारा फिर करते हैं, आप दूसरी तरफ यानी दूसरे पैर पर
इस तरह से आप इसे लगातार करें और 15 से 20 दिन करें, आप देखेंगे कि आपका जो नी जॉइंट है उसका दर्द और ये सोल्जर का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा, आपको बिल्कुल दर्द का अनुभव नहीं होगा। इसलिए आप इस योगा को निश्चित करें और उसका लाभ प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ पृथ्वीपति चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।